आपका दुकान, शोरूम या फिर कोई ऑफिस या कोई बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, और आपने इसलिए कि आपको उस स्थान पे जगह कम हो रही थी, स्थान कम हो रहा था उस दुकान को, आप वहां पे किसी कारण से बढ़ा नहीं पा रहे थे, इसलिए आपने किसी दूसरे एरिया में बहुत अच्छे से चेक करके, बहुत अच्छे से स्टडी करके आपने उसकी अपने ही शॉप की दूसरी ब्रांच डाली। सब कुछ सही होते हुए भी क्या आपका वो ब्रांच, वो बिजनेस नहीं चल रहा है, बल्कि न केवल वो घाटे में जा रहा है, बल्कि आपकी जो पुरानी फॉर्म थी या शोरूम था जो बहुत अच्छा चल रहा था, बिना किसी कारण से उसमें भी डेली की सेल कम आ रही है। तो इसका बहुत बड़ा रीजन रहता है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन बोलिए, वास्तु का रीजन बोलिए, ये बहुत ही सटीक जानकारी मैं डॉक्टर माया मसंद हिलर, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, इस वीडियो में बता रही हूँ। उस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए और इसका जो कारण है उसको ठीक करिए। जब कभी आप किसी स्थान पर एक बिजनेस शुरू करते हैं, एक शोरूम शुरू करते हैं, वो आपकी मेहनत से बहुत ज्यादा अच्छा चलने लगता है, तो नो डाउट आपके उस शोरूम के बहुत अच्छे चलने में आपकी मेहनत काम करती है, आपके ग्रह काम करते हैं, बल्कि उस स्थान का वास्तु भी काम करता है। बिल्कुल क्विट मत करिए वीडियो, मैं सिंपली नहीं बता रही हूँ सिर्फ वास्तु के बारे में, उसकी उसकी कुछ एनर्जीज भी बता रही हूँ जो आपको डेफिनेटली, जो नया शोरूम है जो नहीं चल रहा है, धीरे धीरे न केवल वो चलने लगेगा बल्कि आगे भी इसके ब्रांचेस आप खोलना चाहेंगे तो उसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें जो वास्तु रहता है वो एनर्जी वास्तु की बहुत अच्छी रहती है, तो ही वो बिजनेस आपकी मेहनत और ग्रहों के साथ चलता है। पर जब दूसरी जगह आप उस स्थान को लेके जाते हैं तो हो सकता है आपकी मेहनत सही हो और आपके ग्रह भी सही चल रहे हो, पर जब स्थान परिवर्तन होता है तो आपकी कई बार लक कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है नए स्थान पर। आप चाहते हैं कि आपका जो भी नए स्थान पे वास्तु है, जैसे आप चेंजेस नहीं कर ला सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शनिवार के दिन जो भी आपकी इनकम या गल्ला उसमें आता है, आपके गल्ले में जो रकम आती है, आपके शोरूम में जो रकम आती है, उसमें से कुछ सिक्के आप उठा के अपने नए शोरूम में ले जाइए। अगर आपका ट्रांजेक्शन सिक्कों में नहीं होता है, नोटों में होता है, तो कुछ नोट आप उसमें स्थान में से ले जाकर उस नए स्थान के गल्ले पे ले जाइए। आपके शोरूम में जो कोई भी चीज बहुत ज्यादा पुरानी हो, जैसे कोई कुर्सी होती है, कोई स्टूल होता है, या कोई ऐसी चीज रहती है जो कि हम पीछे कर देते हैं पुराने शोरूम में भी, और नए शोरूम में तो बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहते हैं, वो वस्तु भी आप अपने नए स्थान पर लेके जाइए। आपका कम से कम एक जो स्टाफ है उसको भी आपको नए शोरूम में शिफ्ट करना है, तो उससे जो इस स्थान की लक है, पितरों की जो ब्लेसिंग है, जो पावर है, वो आपके नए स्थान पे जाता है। उसके अलावा अगर आपका नया शोरूम जो है उसमें अगर चार रास्ता है, त्रास्ता है, मतलब ट्रायंगल है, टी जंक्शन है, या तो फिर स्थान की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप उसके लिए कुछ वास्तु आर्टिकल्स जो कि स्पेशली मैं बिना तोड़े वास्तु को ठीक करने के लिए देती हूँ, वो आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके मंगा सकते हैं। और उसके अलावा जो मैंने आपको टिप्स दिए उसे बहुत ध्यान से करिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ हैप्पी हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ।